हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद ममता बरनवाल पे। आज मैं हरे मूंग दाल से बने चीले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, ज़रूर देखिए। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, मिनटों में बनके तैयार होती है। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मूँग दाल चीले की रेसिपी। मूँग का चीला बनाने के लिए मैंने ये 2 कप हरा मूँग लिया है और इसे नाइट में भिगो कर मैंने रख दिया था। इस समय अच्छे से वॉश कर लिया इसे। ये चीला मैं सब्जियों को डालकर बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 छोटा ग्रेट किया हुआ खीरा, 1/2 ग्रेट किया हुआ गाजर और 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 4 हरी मिर्च और ये लिया एक प्लेट में मैंने 1 टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 पिंच हींग। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डालेंगे अपना हरा मूंग। इस हरे मूंग की जगह पे आप अंकुरित मूंग भी ले सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च। इसके बाद हम ये जीरा और ये हींग भी डाल देंगे और इनको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, करीब 2 to 3 टेबल स्पून, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राइंड हो चुका है। ग्राइंड होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी दिख रही है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इस ग्राइंडर जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जो बचा हुआ था उसको भी निकाल लिया है। अब इसमें सॉल्ट को ऐड कर देंगे और ये जो हमारी सारी सब्जियां थी, इन सारी सब्जियों को भी इसमें हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अगर आप चाहें तो इसे बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप सब्जियाँ डालते हैं तो ये ज़्यादा ही हेल्दी हो जाती हैं और टेस्टी लगती हैं। तो इसे अब मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये सब्जी डालने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको फ्रेंड्स पतला बैटर चाहिए, पतला चीला चाहिए, तो आप इसको पानी डाल के इसका बैटर पतला कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा थिक या मोटा चाहिए तो बैटर को मोटा ही रहने दें। तो मेरा बैटर अब रेडी हो चुका है, मैं अपने बैटर को ऐसे ही रखूँगी और अब चलते हैं इसको पकाने के लिए, इसका चीला बनाने चलते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को गरम किया है और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। आप चाहे तो इसकी जगह पे ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और अगर आप चाहें तो ऑयल या देसी घी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक है तो चिपकेगा नहीं। और इसके बाद हम अपने बैटर को डालेंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, जिससे कि हमको बैटर स्प्रेड करने में आसानी हो। और जब हम बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, उसके बाद चीला डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम में कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा देसी घी लेकर इसके चारों किनारों पर डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जब एक दूसरे नीचे की तरफ से थोड़ा सिक जाए, यानी कि लाइट गोल्डन हो जाए, तो फिर इसे हम फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे पलट रही हूँ और ये लाइट गोल्डन हो गया है। अब ये दूसरी तरह से भी इसी तरह लाइट गोल्डन इसे होने देंगे। और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है फ्रेंड्स, तो इसे सावधानी से आप फ्लिप करें, सावधानी से इसे पलटें। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से ये सिक गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसी तरह मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने पैन में देसी घी डाला है, इसको स्प्रेड कर दूंगी। स्प्रेड करने के बाद बैटर को डालेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे, जिससे कि हम अच्छे से बैटर को स्प्रेड कर सकें। और जब हमारा बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए, फिर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे।
आप इस चीले को स्प्रेड करने के बाद लिड से कवर करके भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। मैं ऐसे ही बना रही हूँ। इसे आप बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, और सब्जी डाल के भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आप अपने घर में जब चाहें तब बना के खा सकते हैं। ये नाश्ते के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे आप किसी भी हरी चटनी, मीठी चटनी या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, हरे मूंग के चीले की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो में कौन सी रेसिपी लेके आऊँ आप लोग के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।